देश भर में एनआरसी को लेकर लगातार लोगों में काफी गुस्सा है। खासकर असम में ये चीज देखने को मिला है। नागरिकता संशोधन बिल से असम काफी प्रभावित है, मगर रात के 9 बजे तक असम के बीजेपी के 9 सांसदों में से एक ने भी नहीं बोला। उसके बाद की जानकारी नहीं है कि किसने क्या बोला। प्रधानमंत्री मोदी की भी क्या राय है सदन को पता नहीं चल सका, क्योंकि उन्होंने इस पर कोई अभी तक टिप्पणी नहीं की है, सिवाय अमित शाह के, जिसने लगातार झूठ पे झूठ बोलता है और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। इस तरीके के उनके बयानबाजी सामने आती है कि वहाँ पाकिस्तान में सिर्फ जो मुस्लिम नहीं है उनके साथ जाति होती है, वो यहाँ तक कि शिया और अहमदिया और सभी को भूल जाते हैं और पाकिस्तान को अपना पुराना रिश्ता दिखाते हुए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। बहरहाल, एक घंटा पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बाहर प्रदर्शन का यह वीडियो आया है। आज इतने सारे चैनल हैं जो गोदी मीडिया हैं, असम के लोगों पे किसी भी तरह का कोई भी कवरेज नहीं किया है। असम के लोग इस बिल के स्वागत में हैं या विरोध में हैं, ये भी जानने की कोशिश नहीं की इन गोदी मीडिया वालों ने, दलाल मीडिया वालों ने। क्या आपको पता है, आपको ये जानकर हैनारी नहीं हुई, 370 हटा तो गोदी मीडिया के अंतर दल लेक के किनारे अपने सैर सपाटे के हालात के सामान्य रूप से पेश करने का काम कर रहे थे कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, विदेशियों के साथ घूमने टहलने इस तरीके से जा रहे थे जैसे कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, ये दिखाने की ये दलाल मीडिया कोशिश कर रही थी। अब आप ही बताइए, आज असम की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही हैं टीवी पर? क्यों नहीं असम के लोगों की खुशी या फिर गम या फिर गुस्सा दिखाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि वहाँ पर गोदी मीडिया जब जाती तो उसे सच्चाई समझ में आती है कि किस तरीके से एनआरसी पे लोगों में वहाँ नाराज़गी है। 19 लाख लोगों में से 12 लाख वैसे हिंदू हैं जिनका एनआरसी में नाम नहीं है और उन्हें दोयम नागरिकता देने की बात चल रही है, और मुस्लिम उसमें से बिल्कुल भी नहीं शामिल होंगे। यह वीडियो असम के छात्रों ने भेजा है। क्या यह भी अजीब नहीं है कि इस बिल से असम के 14 लाख हिंदू प्रभावित हैं? उन्हें नागरिकता तो मिलेगी, बहुतों को शायद दोबारा मिलेगी, तो क्या उनकी खुशी टीवी पर नहीं चलनी चाहिए थी? उनकी क्या प्रतिक्रिया लोगों में नहीं जानना चाहिए था कि क्या कहना चाहते हैं वहाँ के लोग? ये सारी गोदी मीडिया जो बैठी हुई है, इतने बड़े लोगों के जो दल है जो लगातार एनआरसी के ऊपर में अपने गुस्सा को इजहार कर रहे हैं, और एनआरसी में जिस तरीके की बात हो रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल जो अमित शाह आज लेकर आया था, वो इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम को छोड़कर सभी को नागरिकता मिलेगी, तो क्या असम के उन हिंदुओं को जो 12 लाख का लिस्ट में नाम नहीं है, उनकी खुशी जानने का अधिकार नहीं था देश को? क्या ये गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती थी? लेकिन ये दलाल मीडिया कभी भी सच्चाई लेकर सामने नहीं आएगी कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने जो विरोध किया है उसको ये सामने ला सके।